लगातार सांसदों के निलंबन से इंडिया गठबंधन के 28 दलों ने 22 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। आगे कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, राज्यसभा और लोकसभा से कुल मिलाकर 141 विपक्षी सदस्यों को निलंबित किया गया है, जिनके खिलाफ हम 22 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें, राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में 28 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और बैठक में 2024 में होने वाले चुनाव में सीट शेयरिंग, पीएम कैंडिडेट के नाम के अलावा भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, सुप्रिया सुले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सहित कई दलों के नेता शामिल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए और सभी ने बैठक को प्रभावशाली बनाने का काम किया, जिसके लिए सभी नेता बधाई के पात्र है। और उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन इसी तरह से मिलजुल कर काम करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारी मुख्य चिंता चुनाव जीतना और इंडिया गठबंधन के सदस्यों की संख्या बढ़ाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारी मुख्य चिंता चुनाव जीतना और इंडिया गठबंधन के सदस्यों की संख्या बढ़ाना है। बैठक में फैसला लिया गया कि गठबंधन में सभी लोग मिलकर काम करेंगे और अगर सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं कोई विवाद होता है तो पार्टी के केंद्रीय नेता बिना भेदभाव किए उसे अपने तौर तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे। बता दें, मंगलवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी दलों ने आगामी लोकसभा चुनाव की जीत के लिए मिलजुल कर काम करने और प्रदेश स्तर पर सीटों के तालमेल को मजबूत करने के बारे में फैसला लिया। अब देखने लायक ये होगा क्या गठबंधन अपने फैसलों पर खरा उतर पाता है या नहीं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।